आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बक्सर से आ रही है कि कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की गाड़ी से 8 बोतल विदेशी शराब की बरामदी की गई है। यह घटना उस वक्त की है जब सिमरी थाना क्षेत्र अपने क्षेत्र के नगरपुरा गांव के समीप वाहन चेक कर रही थी, तभी इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में विदेशी शराब ले जाया जा रहा है। तभी पुलिस ने जांच में कड़ी कर दी और आ रही स्कॉर्पियो को रोक तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद मामला ये सामने आया जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई है। काम एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में शराब लेके जाया जा रहा है, तो हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए सिमरी थाना के द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसने जांच की गई तो शराब की बरामदगी हुई। सर किसी गाड़ी है ये जो गाड़ी है अभी तक जो स्पष्ट हुआ है उससे जो हम लोग जो वाहन ऐप होता है उसके माध्यम से जो पता किए हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक जी की गाड़ी काम कर रही थी। आज भी गाड़ी जगदीशपुर और बड़का गांव में राशन बांटने के लिए गई थी, लेकिन मैं हतप्रभ हूँ कि ये सिमरी थाना के अंतर्गत कैसे गाड़ी हमारी चली गई और हमारे कार्यकर्ताओं से अभी तक कोई बात नहीं हुई है जो कि उस पर राशन बांटने के लिए गए थे, तो ये कैसे सिमरी में चली गई। जब वार्ता उनसे हो जाएगी मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। मैं तो जब से सुना हूँ तब से लगातार प्रशासन के चाहे SP हो, थाना प्रभारी हो, चाहे DSP साहब हो, सबसे संपर्क किया कि कम से कम इस पर सही और माकूल कार्रवाई की जाए, और मैं बिहार सरकार के साथ हूँ कि अगर मेरे साथ साजिश के तहत ऐसा काम किया गया है तो इसकी न्यायिक जांच करे बिहार सरकार और माकूल उन साजिशकर्ताओं को जवाब दे।